लोकसभा चुनाव के दौर में चुनाव प्रचार अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की रैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं। शुक्रवार को कन्हैया कुमार की रैली में एक शख्स ने घुसकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मामले में हलचल तेज हो गई है। कन्हैया ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। हर तरफ राजनीतिक दलों के प्रचार का शोर गूंज रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर हमले का मामला सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शुक्रवार को कन्हैया प्रचार के लिए न्यू उस्मानपुर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। मीटिंग के बाद ऑफिस के बाहर कुछ लोग नारेबाजी करते हुए उनके पास आए और फूल माला पहनाने के बहाने कन्हैया पर हमला कर दिया। कन्हैया पर स्याही भी फेंकी गई, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने युवक को धर दबोचा। इसके बाद कन्हैया कुमार ने कार पर चढ़कर विरोधियों को ललकारते हुए चुनौती दी। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों को भेजकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। हमारा मुकाबला अन्याय से है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस बीच कन्हैया पर हमला करने वाले आरोपी पर पहले भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमलावर का संबंध कुछ बीजेपी नेताओं से है और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उसकी फोटो भी देखी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि छठे चरण में 25 मई को दिल्ली की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और कन्हैया कुमार दिल्ली की नॉर्थ सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।